सूरा मेरे मज पम्मा डठण बिर मनी सिखा पधिंग समाधियानी। एक तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि 2500 साल बाद धर्म का उदय होगा, ये किस आधार पर अपन ये कल्पना कर सकते हैं, या मतलब किस आधार पर अपन ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 2500-2600 साल बाद जो धर्म का उदय होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरा हो जाता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट का या एजुकेशन डिपार्टमेंट का या दूसरे डिपार्टमेंट्स का या और ऐसा जो कि क्या नाम है अदर देन पॉलिटिकल हमारा रिजर्वेशन है वो पूरा क्यों नहीं हो पाता, ये दो प्रश्न जो है बहुत दिनों से। 2500 साल का तो जवाब ये है कि जब बुद्ध ने धम्म दिया था तो उन्होंने धम्म को, क्योंकि विपस्सी जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि धम्म को बढ़ने की स्पीड कितनी है, एक साल में कितना बढ़ा, दो साल में, क्योंकि जैसे हम यहाँ आजकल तो हमारे पास कंप्यूटर है, आप जैसे अभी क्या है कि 15 महीने के अंदर अब हम ऐसे आ गए हैं कि 1000-2000 लोगों की संगति कर लेते हैं जी सर, पर 15 महीने पहले हम ये बात नहीं सोच सकते थे। पर इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम अगले 6 महीने में 4 महीने में 10,000 की संगति करने के लायक हो जाएंगे सर जी, और फिर उसके बाद में अगर यही स्पीड हमारी रही तो हम 60-70 की संगति करने के लायक भी हो जाएंगे अगले साल जी। तो आजकल तो कंप्यूटर है, ग्राफ है, जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। और बुद्ध ने जो कैलकुलेशन की अपने जीवन में और जो 45 साल उन्होंने लोगों को बढ़ते हुए देखा, उसके बाद उन्होंने आनंद को ये कहा था कि आनंद इसमें महिलाएं आई हैं, महिलाओं को हालांकि वो लाना नहीं चाहते थे, भिखुनी नहीं बनाना चाहते थे, पर आनंद ने जब ये सवाल किया कि आप क्या महिला में नर में नारी में भेद करते हैं, तो चूंकि बुद्ध भेद नहीं कर सकते, अगर भेद करेंगे तो बुद्ध नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भेद नहीं मैं करता, पर संघ की सुरक्षा के लिए आप उनको जाना चाहते ठीक है ले आइए, पर कुछ नियम लगाने पड़ेंगे, और उन्होंने फिर महिलाओं के लिए स्पेशल कुछ नियम लगाए। तो उन्होंने कहा था आनंद से कि आनंद महिलाओं के आने के बाद में, क्योंकि महिला मन से कमजोर होती हैं, कठोर नहीं होती हैं, तो इसलिए धम्म में थोड़ी कठोरता भी चाहिए, तो धम्म महिलाओं के आने के बाद में इसकी जो आयु है वो 500 साल रहेगी। पर अब मैंने इसमें जैसे पानी को रोकने के लिए खेत में बाड़ लगाते हैं, मेड़ लगाते हैं, वैसे मैंने इसमें कुछ नियम लगा दिए हैं, अगर इन नियमों पर चलोगे तो 1000 साल ये चलेगा, यानी 1000 साल वो टॉप लेवल पे चलेगा। तो ऐसा माना जाता है कि हालांकि 1415 साल चला है, तो जितना समय धम्म को चढ़ने में लगता है उतना ही समय धम्म को उतरने में लगता है, कोई भी जो प्रोसेस है वो एक झटके में नहीं खत्म होता कभी भी। पुरानी चीजें तो जैसे धम्म 1112 साल में चढ़ा वैसे 1112 साल में उतरेगा, तो ये जो साइकिल है ये लगभग 2425 साल की बैठती। और ऐसा अनुमान देखा गया कि धम्म का सब पूरा पूरा पतन हो गया, भारत से तो गायब ही हो गया, जब 1956 में दोबारा से आना शुरू हुआ तो कैलकुलेट किया गया कि लगभग 2500 साल ही हुए हैं। तो आधार पे ये बोला जाता है कि 2500 साल इसका साइकिल है। इसका जवाब तो ये है जो साइंटिफिक है बुद्ध ने बताया, बाकी आप और हम जितना देख सकते हैं देखेंगे, अब हमारी उम्र तो ज्यादा है नहीं, जितना देखेंगे साल तो हम पर उसके कैलकुलेशन। इस मामले में ये है कि जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी वाले लोग भी हैं वो भी यही बोलते हैं कि 2500 साल का सर्किल है। विपश्यना में चुग में विपश्यी साधक हूँ, मैंने काफी मतलब कोर्स भी किए हैं, तो वो भी जो है सत्यनारायण जी गोयनका भी बार बार ये बोलते हैं कि 2500 साल बाद ये सबको लगने लगा है कि भारत जो है ना एक दफे फिर जो है ना विपश्यना में या मतलब धम्म में गुरु बनेगा, और दूसरे धर्मावलंबी वाले लोग भी ये बोलते हैं। तो ये क्या 2500 साल का जो सर्किल है ये बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के लिए भी लागू होता है किसी का नहीं है ना? दिक्कत क्या है कि देखो हम कोई धम्म के भीरू या धम्म के अंधे भक्त तो है नहीं, और ना ही हम बुद्ध के व्यक्ति उसमें, हमने तो जाना है देखा है बुद्ध की जो प्रैक्टिस है उसको समझा है। तो अभी अगर आप देखोगे कि 2600 साल की क्या बोलते जीवन हो गया, जो 2600 साल साइंटिस्ट बताते हैं, तो 2500 साल हो गया और 90 लगाया था, तो वो बात जो सिद्ध हुई है। और बुद्ध से पहले टेक्निक ऐसी है नहीं, बुद्ध ने तो सारी टेक्निक चेक की है ना पहले, जितने भी मत थे जितने भी गुरु थे अच्छे अच्छे उन सबसे पढ़ाई की है, पर कुछ मिला नहीं, या ये कह सकते हैं कि जितना मिला वो पूरा नहीं था, सम्यक सम नहीं था, अधूरा था। हाँ तो सम्यक सम तो उन्होंने खुद ही खोजा है, और इससे बेहतर यानी बुद्ध से बेहतर कोई अभी तक खोज के दिया नहीं किसी ने,
बिल्कुल ठीक है सर जी। जब बुद्ध से बेहतर किसी ने खोजा नहीं और बुद्ध से पहले कहीं कोई सर्कल मिलता नहीं, ये जितने भी जो टेक्निक आई है ये बुद्ध की तो टेक्निक है सारी सारी। तो लोग और जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, मैंने बहुतों को देखा है, सब पसना का कुछ ना कुछ अंत होता है और बाकी वो अपना बना देते हैं और वो कुछ नया पकवान बना देते हैं, पर उसमें मिठास होती है वो बुद्ध की होती है और कहीं नहीं होती किसी की। घूम फिर के नाम बदल रखे हैं, शब्द बदल रखे हैं, भाषा बदल रखी है, तरीका बदल रखा है, पर सार वही आता है जो बुद्ध के उसमें है, धम्म में है। सर मैं मतलब... एक मिनट बात करूं। सर जी वेलकम। सर जी सर मैं बाबा साहब के जीवन का एक प्रमाण जो मुझे मिला है, वामन राव गोडबोले जी को आप जानते होंगे, दीक्षा भूमि के कार्यक्रम के वो स्वागताध्यक्ष थे, और जो दीक्षा भूमि का 14 अक्टूबर 1956 का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें नागपुर वालों ने जो आयोजन समिति बनाई थी उसमें वो थे, तो उनकी किताब में मिला हुआ प्रमाण में बताता हूँ इस संदर्भ में। जब बाबा साहब काठमांडू से बुद्धा और कार्ल मार्क्स का जो व्याख्यान हुआ उसके बाद वो 24 या 25 नवंबर 1956 को जब आए थे, तब की बात है, उनकी किताब में लिखा है, तो बर्मा के बहुत सारे भिक्खु और उपासक लोग आए थे, जो मूल गंध विहार जो है मूलगंध कुटी, जो कि अनागारिक धम्मपाल ने बनाया था, वहां पर बाबा साहब का व्याख्यान हुआ, और उस वक्त वो बर्मा के लोगों ने सवाल पूछा कि ये जो थेरावादी ट्रेडिशन है, थेरावादी ट्रेडिशन की परंपरा ऐसी है कि बुद्ध ने कहा है कि 2500 साल बाद ये नया सर्कल आएगा और वो सर्कल बराबर 2500 साल के वर्ष में होगा। तो उस वक्त उन्होंने पूछा बर्मा वालों ने कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो तथागत बुद्ध का धम्म जो फिर से रिन्यू करेगा, उसका चक्र जो है फिर से घुमाएगा। तो वामन राव गोडबोले सामने आए वो पब्लिक के, उन्होंने ये बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अभी अभी 2-3 महीने ही हो गए थे, 1.5 महीना ही हुआ था, उन्होंने कहा कि ये जो 1.5 महीने पहले जो दीक्षा भूमि में जो प्रोग्राम हुआ वो धम्म दीक्षा का नए जो समय, मतलब उसको धम्म का जो नया युग कहते हैं बुद्ध, तो वो घटना नागपुर में हो चुकी है और वो जो बोधिसत्व है वो आपके सामने है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये घटना हुई थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो आप 2500 साल बाद का सपना सोच रहे थे वो बाबा साहब आम्बेडकर ने वो चक्र को फिर से घुमाया है। तो यही सेकंड धम्म का जो पुनरागमन है वो है, ऐसा उस किताब में लिखा हुआ है। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami 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 Gac
साधु साधु साधु।